हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है एनिमेटिव यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सिंचेन की एक हॉरर मूवी जिसका के नाम फास्ट स्लीप ग्रेट असोल्ट ऑन ए ड्रीमी वर्ल्ड। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही हॉरर होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो पार्ट वाइज होने वाली है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तो अब मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर कावागुची के बॉस उन्हें कोई गलत काम करने के लिए कहते हैं। अब आप समझ ही सकते हैं वो काम क्या है, पर मिस्टर कावागुची उस काम को करना नहीं चाहते थे। फिर भी उनका बॉस उन्हें वो काम करने के लिए कहता है। कावागुची वो काम करने ही वाले होते हैं, इतने में ही वहाँ पर सीओमैन वहाँ पर आ जाता है। और ये सीओमैन और कोई नहीं बल्कि हिरोशि नोहारा होता है, जो कि वहाँ पर मिस्टर कावागुची को उनके बॉस से बचाने के लिए आता है। जब वो उसे बचाकर वहाँ से जा रहे होते हैं, इतने में वहाँ पर एक मछली आ जाती है जो कि उनके पीछे लग जाती है। फिर वो उस मछली से बचने के लिए इधर उधर भागने लग जाते हैं। फिर आखिरकार वो मछली हिरोशि नोहारा को अपने मुंह के अंदर निगल लेती है। फिर इसके बाद हिरोशि की नींद डरते हुए खुल जाती है, क्योंकि हिरोशि एक सपना देख रहा होता है। फिर हमें मिस्सी का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक लड़के के साथ डेट पर आई हुई होती है। और जब वो लड़का और मिस्सी बात कर रहे होते हैं, इतने में वहाँ पर भी वही मछली आती है और वो मिस्सी को भी अपने मुँह के अंदर निगल लेती है। उसके बाद मिस्सी की भी नींद डरते हुए खुल जाती है। हमें हिमावारी का सीन दिखाया जाता है, जो की बहुत बड़ी हो चुकी होती है और वो सिंचेन को अपने मुंह के अंदर चूस रही होती है। इतने में ही हिरोशि और मिस्सी उसके लिए दूध लेकर आते हैं। जैसे ही वो दूध पीने वाली होती है, वहाँ पर भी वही मछली वापस आ जाती है, वो हिमावारी को भी निगल लेती है। फिर हमें सीरो का सपना दिखाया जाता है, जहाँ पर सीरो बहुत स्मार्ट हो चुका होता है, पर उसके पीछे भी वही मछली लग जाती है और वो सीरो को भी निगल लेती है। फिर आखिर में हमें सिंचेन का सपना दिखाया जाता है। सिंचेन ननेको दीदी के गोद में सोया हुआ होता है, ननेको दीदी उसका कान साफ कर रही होती है। फिर उनके बीच में कोई बात होती है जो कि मैं आपको नहीं बता सकता। और जैसे ही सिंचेन और ननेको दीदी पास आने लगते हैं, ऐसे ही वो मछली सिंचेन को भी निगल लेती है। फिर हमें मछली के पेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी अंधेरा होता है। फिर अचानक से ही बहुत रोशनी हो जाती है और सिंचेन देखता है कि वो एक बॉल पर खड़ा है। फिर उसे दिखता है कि उसके जैसे बहुत से लोग ऐसे ही बॉल पर खड़े हैं। फिर हमें दो नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर सीधा हमें सिंचेन का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस सिंचेन को उठाने के लिए आती है, क्योंकि सिंचेन को स्कूल जाने के लिए भी लेट हो रहा था। पर सिंचेन पहले उठता नहीं है, वो इधर उधर खिसकने लग जाता है बार बार में। तो फिर मिस्सी उसके सर पर एक मुक्का रख देती है, जिससे कि सिंचेन सीधा ब्रेकफास्ट के टेबल पर पहुंच जाता है। फिर हिरोशि मिस्सी को बताता है कि कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें कि मैं सुपर हीरो था। और इतना कहकर वो अखबार पढ़ने लग जाता है, और वो अखबार में देखता है कि उसमें ये खबर आई है कि कल रात को कासुकाबे के सभी लोगों ने एक बहुत ही डरावना सपना देखा, जिसमें कि एक मछली ने उनको निगल लिया है। तो फिर सिंचेन हैरान होकर बोलता है कि डैड, कल रात मैंने भी ऐसा ही सपना देखा। तो फिर हिरोशि भी बोलता है कि हाँ, मैंने भी इस मछली को अपने सपने में देखा था। उन दोनों की बातें सुनकर मिस्सी भी बोलती है कि हाँ, ये मछली मेरे सपने में भी आई थी। फिर हिरोशि बोलता है कि हम तीनों को एक ही जैसा सपना कैसे आ सकता है। इतना बोलकर हिरोशि अपने ऑफिस चला जाता है और सिंचेन अपने स्कूल चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें सिंचेन के स्कूल का प्लेग्राउंड दिखाया जाता है, जहाँ पर सिंचेन, कजामा, बो, नैनी और मसाओ लोग खेल रहे होते हैं। तभी मसाओ उनको बोलता है कि मैंने एक नई कॉमिक लिखी है, पर वो उसे दिखाने से बहुत डर रहा होता है। नैनी उससे वो कॉमिक छीन कर पढ़ने लग जाती है, पर उनमें से किसी को भी मसाओ की कॉमिक पसंद नहीं आती और वो बोलते हैं कि ये कॉमिक तो बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। कजामा बोलता है कि नहीं मसाओ, तुमने बहुत अच्छी लिखी है। उसके बाद सिंचेन एक आदमी को देखने लग जाता है, जो कि स्कूल के अंदर आया हुआ होता है। फिर अचानक से वो आदमी भी सिंचेन को देखने लग जाता है। फिर हमें क्लास के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे बैठ कर ड्रॉइंग कर रहे होते हैं। योशिना का मैम आती है और वो बोलती है कि बच्चों, तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ। तो सिंचेन बोलता है कि क्या वो आपका बॉयफ्रेंड है। इस पर योशिना का मैम गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि नहीं। फिर योशिना का मैम बोलती है कि सुनो, तुम अंदर आ जाओ। तो वहाँ से एक लड़की आती है, जो कि दिखने में बहुत ही क्यूट होती है, और क्लास के सभी बच्चे उसे देखने लग जाते हैं। तो फिर योशिना का मैम बोलती है कि ये तुम्हारी नई क्लासमेट है, इसने आज ही तुम्हारी क्लास ज्वाइन की है। योशिना का मैम उस लड़की को बोलती है कि सुनो, तुम अपना इनको नाम बता दो। तो वो लड़की थोड़ी देर तो कुछ भी नहीं बोलती, बाद में बोलती है कि मेरा नाम साकी है। फिर योशिना का मैम सभी बच्चों को बोलती है कि तुम लोग इससे दोस्ती कर लो। सभी बच्चे उसके आसपास घेरा बना लेते हैं और उससे कहने लग जाते हैं कि तुम बहुत ही क्यूट हो। मसाओ, कजामा और वो भी उसके पास चले जाते हैं। फिर मसाओ उसको अपनी लिखी हुई कॉमिक दिखाता है, जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर कजामा बोलता है कि मैं बड़ा होकर बहुत ही बड़ा आदमी बनूंगा, और वो उस लड़की को उसके कपड़ों के कलर का एक पत्थर ला के देता है। तो ये देख कर नैनी बहुत ही गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। और फिर नैनी जब उस लड़की के पास जाती है, तो वो लड़की
उसको धक्का देकर गिरा देती है और वहाँ से जाने लग जाती है। और जाते जाते बोलती है कि तुम लोग बहुत ही बोरिंग हो। फिर उसके पीछे से सिंचेन भी बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तो वो लड़की बोलती है कि तुम कौन हो। तो सिंचेन बोलता है कि मेरा नाम सिंचेन है। और फिर वो उस लड़की को अपना टैलेंट दिखाने लग जाता है और आपको तो पता ही है कि सिंचेन का टैलेंट क्या है। फिर वो लड़की सिंचेन को भी धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। सो गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पे ओवर कर देते हैं क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और मुझे पता है इतना बड़ा वीडियो कोई भी नहीं देखता है। तो इसके आगे की स्टोरी जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑल पे सिलेक्ट कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके गाइस, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।